फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं मोहिनी कटोरी, राधा मोहिनी की रसोई में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ नाश्ते में उपमा। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसके लिए लिए एक कप सूजी ली है, एक बड़ा प्याज लिया है, एक गाजर ली है, एक शिमला मिर्च ली है, एक बड़ा टमाटर लिया है, हरी मिर्च ली है, करी पत्ता लिया है और धनिया लिया है कटा हुआ। तो फ्रेंड्स, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में हम ऑयल डाल दे रहे हैं। मैंने एक चम्मच ऑयल डाला है। अब इसको गर्म होने तक तेल हमारा गरम हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे राई, एक चम्मच राई डालेंगे। ये राई में ही बहुत अच्छा बनता है। राई हमारी भून चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। हम कड़ी पत्ता डालेंगे, मैं डालना भूल गई थी। कड़ी पत्ता डाल देंगे, प्याज डाल देंगे, इसको हम अच्छे से भून लेंगे। हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको भूनते हैं। यदि आप डालना चाहें तो इसमें थोड़ी सी दाल भी डाल सकते हैं और मूंग भी। आज मैं बिना दाल की और बिना मूंग की डाले हुए बनाऊंगी, केवल रख बनाना उपमा। प्याज हमारी ब्राउन होने वाली है, प्याज हमारी भून रही है। अब हम इसमें डालेंगे गाजर। शिमला मिर्च उसके साथ ही हरी मिर्च डाल देंगे। आप कितना भी खाना पसंद करें कम ज्यादा, मैंने दो हरी मिर्च लिए। इसको हम अच्छे से सौते कर लेंगे। इसको हल्का और नरम होने तक भूनेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ जिससे कि ये थोड़ा जल्दी पक जाए। इसको हम दो तीन मिनट तक चला देते हैं। हमारी सब्जी भुन गई है। अब इसमें डालेंगे काली मिर्च पाउडर। हमने काली लाल मिर्च नहीं डाली, हमने काली मिर्च डाली है और थोड़ा सा भुना जीरा। इसमें हमने हरी मिर्चियां नहीं डाली हुई है, तो इसलिए मिर्चें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए और टमाटर डालिए। यदि आप दूसरा कोई सब्जी भी डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि ये काफी हेल्दी होता है खाने में भी और देखने में भी अच्छा लगता है। हम इसको अच्छे से भून लेते हैं। अजीरा मसाले भून चुका है और इसमें डालेंगे जो हमने थोड़ी भून के रखी थी पहले से सूजी,
हल्की सी पहले तो भून लेनी है चीजें। हमने एक कप में सूजी डाल दी। अब इसको हम अच्छे से मिलाएंगे। हमारी भुनी मसाला भुन गया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो मैं इसमें 3 कप पानी ऐड कर दूंगी। ये पानी मैंने थोड़ा सा पहले गर्म कर लिया था जिससे कि जल्दी से बन जाए। ये 3 कप पानी डाल दूंगी। अब इसको अच्छे से चला दूंगी। इसको ध्यान से डालिए क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर आती है, ये कहीं छीट ना पड़ जाए, इसलिए थोड़ा ध्यान से इसको रखें। अब इसको हम अच्छे से मिला देंगे। अब इसी समय पर हम थोड़ी सी चीनी डाल देंगे, हल्की सी, आधा चम्मच चीनी डाल देंगे हम, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसको चला देंगे। जो उपमा का टेस्ट है ना, एकदम से उभर के आता है। अब हम इसको भूनने के लिए हम इसको देते हैं और 2 मिनट बाद हम देखेंगे कि हमारा उपमा रेडी है। अब हम इसको खोल के देख लेते हैं। 2-3 मिनट हो गए, हम इसको खोल के देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स कैसे खिला खिला बना हुआ है। अभी बन के रेडी हो गया है। अभी हम इसमें थोड़ा सा शुद्ध घी और डाल देते हैं ऊपर से। अगर आप डालना पसंद करें तो डालिए, नहीं तो नहीं भी डाल। देखिए ऊपर से डालने में इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं डाल दूंगी। इसको थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। तब हम इसको सर्व कर देते हैं। देखिए ब्रेड बनके रेडी हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती डालेंगे। अब खाना पसंद करें तो थोड़ा सा हम सेब वाली भुजिया डालेंगे। तो फ्रेंड्स बताइए मेरा बनाया हुआ उपमा आपको कैसा लगा है। आप बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली को खिलाइए और मुझे लाइक करिए। थैंक यू।